अगर आपके चेहरे पर मेलास्मा पिगमेंटेशन या छाइयों का बेस बन रहा है, लेयर बन रही है, तो एप्लीकेशन रेमेडी बता रही हूँ जो इन सभी ढीठ परेशानियों को आपकी स्किन से निजात दिला सकती है। आप ग्लास, बेदाग और पॉलिशिंग स्किन पा सकते हैं, लेकिन ये एक मेडिकेशन है, यानी कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। जैसा बताऊंगी आपने वैसे ही इसको इस्तेमाल करना है और बनाना है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और गौर से देखिए, समझिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहली चीज हमें चाहिए होगी मुलठी। अगर नहीं है तो जल्दी से मंगवा कर इसे रख लीजिए, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इतना पावरफुल है। अगर आज से ही स्टार्ट करते हैं ना, तो छाइयों जैसी ढीठ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मुलठी पाउडर, यानी कि लिकरिश पाउडर। ठीक है, ये आपको पंसार शॉप से भी मिल जाएगा, अदरवाइज मैं लिंक भी शेयर कर लूँगी, सो डोंट वरी। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा जी अलसी का पाउडर। अलसी के जो बीज होते हैं, फ्लैक्स सीड, उनको ग्राइंड कर लिया जाए तो आपको मिलेगा अलसी का पाउडर। 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड कर लिया अलसी का पाउडर। अब इन दोनों को आपने मिक्स करना है कच्चे दूध से, यानी कि रॉ मिल्क। ठीक है, प्लीज़ आपने इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना है, कच्चा दूध ही आपने ऐड करना है। अगर आपके पास गोट मिल्क है, यानी कि बकरी का दूध है, तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अगर थोड़ा सा ठीक हो जाए आपका पेस्ट, तो आप इसमें मज़ीद दूध ऐड करके दोबारा से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अब आपने इस पेस्ट को, इस मास्क को पूरे चेहरे पर लगा लेना है, गर्दन पर, हाथों पर, अच्छा जहाँ भी आपकी बॉडी पर पिगमेंटेशन है ना, क्योंकि बहुत सारे डार्क स्पॉट्स बड़े हों छोटे हों हमारी बॉडी पे जगह जगह निकल आते हैं, ये सॉल्यूशन उन सब एरिया के लिए भी है। ठीक है, तो आपने पूरे चेहरे पर ये मास्क लगा लिया। जब ये ड्राई हो जाए, बिल्कुल थिक हो जाए, तो आपने सेकेंड स्टेप क्या करना है, एक बाउल लिया, इसमें आपने डाला कच्चा दूध। ठीक है, जो हमने रेमेडी में इस्तेमाल किया था वही वाला कच्चा दूध, और इसमें 1 चम्मच आपने ऐड कर लिया शहद का। अब आपने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इस ड्राई फेस पैक के ऊपर आपने ब्रश की मदद से इस सॉल्यूशन को लगाना है, और इस सॉल्यूशन को लगा कर जब दोबारा से ये पैक जो हमने लगाया था नॉर्मल हो जाए, तो हल्का हल्का आपने मसाज करना है, और जब सारा रिमूव हो जाए, थिक जो हो गया था, जो हार्ड हो गया था फेस पैक, वो जब नरम हो जाए, तो आपने इसको वॉश कर लेना है। ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, सेम ऐसा आपने डेली करना है जब तक कि आपकी पिगमेंटेशन, मिलास्मा, छाइयां खत्म नहीं हो जाती। मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपको 1 हफ्ते में विजिबल रिजल्ट्स नज़र आएंगे। आज की वीडियो आपको कैसे लगी जनाब, एक कंप्लीट मेडिकेशन आपको बताई है। आज की वीडियो के मुतालिक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ ना और आपको पसंद आती है, तो यकीन करें मेरा दिल करता है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतरीन लेकर आती रहूँ। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी।